सारे फल इसके निकाल लेते हैं, फिर आपको मिलता है।
तो गाइस मैंने इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको हम बहुत ज्यादा ड्राई है ना, तो कच्चे भी थे, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। तो सब पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमारा ये फल अच्छे से बारीक पीस जाए। इसमें क्या था यार, ना तो गाय जितना पल है ना, तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे भगोने में। बढ़िया था, सारा पल निकाल लेंगे। तो गाइस इसको मैंने चढ़ा दिया गैस के ऊपर, गैस ऑन कर देंगे और बिल्कुल मध्यम आंच, बीच वाली आंच रखेंगे। और फैमिली साथ ही साथ इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चीनी, ताकि धूप लगने के बाद ना इसका मीठापन कम हो जाएगा। जितना हमारा पल है उतनी उसी के हिसाब से हमें थोड़ी चीनी डाल देंगे। तो फैमिली थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा स्वीटनेस और थोड़ा सा मतलब बढ़िया सा नमकीन सा, थोड़ा सा खट मीठा सा जो फ्लेवर आएगा ना बहुत बढ़िया आएगा। अभी इसको हम ऐसे बस इसको छोड़ना नहीं है, हमें इनको चलाते रहना है। देखो पास में, और नमक हमें डाल दिए। अब अपने आम के पर आप अपनी फैमिली के हिसाब से, या आपको ज़्यादा बनाना तो ज़्यादा वो करिए, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा बना सकते हैं, ज़्यादा मतलब स्टोर आपको पसंद है स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो जब ये पकेगा तो बहुत, जैसे कढ़ी होता ना छिट्टे लगते हैं, तो इसमें बहुत तेज छिट्टे आते हैं। तो कोशिश करिएगा दूर से ही आप इसको चलाते रहिएगा बराबर मध्यम आंच पे। चलिए इसको हम थोड़ा पकने देते हैं, अब चला चला के पकाते हैं। और जब तक एक तैयारी कर लेते हैं, तो एक प्लेट में हम गाइस इसमें ये देखिए थोड़ी सी चिकनी लगा लेंगे। अभी हम बताएंगे इसके बारे में। तो ये देखिए अब पकने लगा है, बस ये थिकनेस ऐसे पकने लगे तो बस आपको दूर ही रहना है। अब इसको हमें पकाना है, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट कलर में हो जाएगा और दूर रह के ही पकाना है। अभी दिखाते हैं आपको, देखिए गाइस इसका कलर चेंज हो गया है और बढ़िया ये पक रही है और ट्रांसपेरेंट भी आ गया। हमें 10 मिनट इनको कुछ चलाते ही रहना, 10 मिनट तक कुछ काफ़ी 10-15 मिनट पकाना ही है। और अब इसको पीसने के बाद आपके पास बड़ा सा छन्नी हो लोहे की, उससे छान लीजिए तो जो पल्स होंगे वो निकल जाएंगे, मतलब जो इसमें रेसे होते हैं वो निकल जाएंगे। और मैंने तो बहुत बारीक पीस लिया था तो बहुत अच्छा और अच्छा हो जाएगा आपका। तो ये देखिए अभी ये होने को आया है, तो इसको हम देख लेंगे ज़रा सा। इसमें एक तार सा ये देखिए तार बनने लगा है, तो इसका मतलब ये हो गया है। ठीक है, इसको हम अभी प्लेटिंग करते हैं। तो फैमिली ये हो गया है, अभी इसमें जिसमें मैंने तेल लगाया था अभी इसमें हम डाल देंगे। और पतला पतला ही बनाएंगे हम, तो इसमें डाल देंगे। तो ऐसे 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 ही फैला लेंगे, ऐसे पूरी प्लेट में ऐसे करके फैला लेंगे। इसमें चिकना लगा था तो मेरे पापड़ जो हैं 2 पापड़ बन जाएंगे और 2 प्लेट में ही बना लेंगे। ठीक है, दूसरी प्लेट में ही बना लेते हैं। तो गाइस पता है ये जो है आम पापड़ जो है अच्छी अगर धूप है तो 2 से 3 दिन में आपका ये आम पापड़ तैयार हो जाएगा।
और नहीं तो आप अगर धूप नहीं निकल रही तो पंखे में भी आप इसको रख सकते हैं। तो चार, 3 से 4 दिन लेगा आम पापड़ हमारा तैयार हो जाएगा। तो धूप तो निकलती है, अब मिलेंगे आपको, दिखाएंगे 3रे दिन जब हमारा पापड़ तैयार हो जाएगा तो हम इसको भी कर लेते हैं। तो गाइस दोनों आम पापड़ मैंने ये देखिए इसमें डाल लिए हैं और अच्छे से ठंड करना, और दोनों में देखिए बराबर है, पतले पतले मैंने इसमें बिछा लिया है, मतलब जैसे आम पापड़ के लिए। और चिकनाई दो तीनों में लगाई थी, मतलब दोनों में लगाई थी प्लेट में डालने से पहले, इसका जो फल था इसमें डाल दिया। अब 3 दिन बाद देखेंगे कैसा हमारा आम पापड़ बना है, ठीक है। और आपको अगर थोड़ा चटपटा चाहिए तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पीस के डाल सकते हैं या रेड चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं हल्का सा, अगर चटपटा चाहिए। मैंने नहीं डाला है क्योंकि बच्चे कड़वा नहीं खाते। तो मिलते हैं आपको 3 दिन बाद, इसका रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। 3 days later 3 दिन हो चुका है, हमारे आम पापड़ कैसे हैं चलो देख लेते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से हो गया है, पूरा मैं पलटा दे रही हूँ, देखिए आम पापड़ हो गया, धूप अच्छी थी तो हो गया है, 2 से 3 दिन में हो जाता है। अब देखिए, तो अभी चलिए एक हल्की सी चाकू से साइड साइड से छुटा लेते हैं, लेकिन मेरा बहुत अच्छे से हो गया, मुझे लगता है चाकू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही लग रहा है ऐसे ही छूट जाएगा। ये लीजिए छूट गया देखिए हमारा आम पापड़, इसको भी देखते हैं थोड़े से मोटे, और हमारे आम पापड़ जो है देखिए इतने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, देखिए कर रहे हैं ना, बहुत शाइन, बहुत ट्रांसपेरेंट है देखिए, और मोटे बने हैं। मैंने मोटे बनाए फिर भी 3 दिन में सूख गया, इसको देखते हैं, और देखते नहीं इसको कट करते हैं कैसे करेंगे। तो हम इसे ऐसे आप अपने मन अपने हिसाब से डिज़ाइन से कट कर सकते हैं। मैं इसका पहले अगल बगल का चार कोने का हम निकाल देते हैं, चार कोने का जो अगल बगल होता है चाकू कोने से, थोड़ा चाकू थोड़ा सा तेज चाहिए क्योंकि मोटा है ये, और ऐसे हम काट लेंगे, दिख नहीं रहा, दिखा पास में दिखाओ थोड़ा सा, नीचे कर दो नीचे उसको काट, ऐसे हम काट कट कर लेंगे चारों तरफ से। देखिए कितना मस्त बना है घर का आम पापड़। और गाइस आप जो हैं इसे साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, जब आम का मौसम ख़त्म हो जाए, जो बहुत ज़्यादा शौकीन है, वैसे बड़े बच्चे सबको बहुत पसंद होता है, आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं ताकि आप बाद में आम पापड़ आम का लुत्फ़ उठा सकें। इसमें जो दिख रहा है ना, मैंने थोड़ा सा मैंने जो क्या किया था मोटा पीसा था ना, इसलिए ये ऐसा है, बाकी आप बारीक पीसिएगा। तो आप ये देखिए बहुत अरे किधर से, अब ऐसे ही हम इसे काट लेंगे अपने, और सारे आम पापड़ कटे पहले सोए अलग कर लेंगे, सारे अलग हो गए, अभी इनकी भी कटिंग कर लेंगे। बच्चों को बहुत पसंद आता है, बढ़िया एकदम, आप इसे स्टोर करके एक के ऊपर एक कर लीजिए, स्टोर करके अपना ऐसे पन्नी में चढ़ा के रख लीजिए। अभी ये देखिए इनको भी कर ले रहे, इसी तरह आप नाप के भी कर सकते हैं, जैसे एक काट लिया, एक कटिंग कर ली, मैं तो ऐसे ही काट रही हूँ, लेकिन आप नाप के काटिएगा तो बहुत अच्छे और आ जाएंगे। तो इसी तरह गड्डी बना के रख लेंगे आम पापड़ की,
लग रहा है ना आम पापड़ बिल्कुल मार्केट जैसे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बने। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, टेस्ट कर लूँगी कैसा है। और इसे फोल्ड कर दीजिए, इसे भी कट करके ही रख लेते हैं। इसे हम ऐसे फोल्ड करके रख ले रहे हैं, देखिए खुल जा रहा है, क्योंकि ये आप पतले बनाइए, हमने मोटे बनाए थोड़े से, तो ये खुल जा रहा है। मैं काट ही ले रही हूँ, इनको भी काट ले रही हूँ। अभी दूसरा वाला भी ऐसे ही काट लेंगे, कट करके मिलते हैं आपसे। तो मैंने सारे आम पापड़ कट कर लिए हैं, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, बिल्कुल मार्केट जैसा। बच्चों के लिए मैंने बना दिया अपना, जब मन हुआ मुँह में डाल लिया, मीठा खाने का मन है, खट मीठा सा चटपटा सा हमारा आम पापड़ तैयार है। आप भी इससे मेरे ऐसा बना सकते हैं, हमसे अच्छा भी बना सकते हैं, तो ट्राई करिएगा बच्चों के लिए आम पापड़ बनाने की। आम रस हम लोग की तरफ तो आम रस बोलते हैं, आम पापड़ लेकिन कहीं कहीं आम पापड़ बोलते हैं, तो आम रस बहुत टेस्टी बना है। तो प्योर आयुष तो खा रहे हैं, आयुष बताओ तो जरा सा के दिखाओ सबको जब खाते हैं। चलिए मैंने तो मन नहीं है वैसे खाने का, लेकिन फिर भी मैं एक बाइट खाती हूँ, ठीक है आपके लिए। मेरे बोलो इसको खाने के बाद मुझे बताने की वही नहीं हो रहा, इतना अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है, खट्टा था, बहुत खट्टा नहीं बहुत मीठा नहीं, बस जैसे आमरस खाते हैं अपना, बाहर का आमरस खाइए तो बहुत खट्टा भी दे देते हैं कोई। बहुत परफेक्ट बना है गाइस, बहुत परफेक्ट, आप भी बहुत अच्छा से बना सकते हैं, तो बनाइए खुद भी खाइए, बच्चों के लाइए, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद का ख्याल रखो, मम्मी पापा का ख्याल रखो। अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, जो जिन्हें किया है तो वो लाइक कर ले, ठीक है, जिन्हें नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे जरूर कर देंगे। सॉरी मेरा मिट्टू बोल रहा है। तो आपको मेरे आने वाले जो नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे, कैसा लगता है कमेंट कर देना, छोटा सा कमेंट कर देना कि आप मेरे जो मैं बताती हूँ बनाते हैं ना, अगर बनाते हैं तो कमेंट करके बता दो, और बनाते भी होंगे तो ज़रूर, नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, बता दो तो अच्छी बात है कि आप मेरी बनाते हो रेसिपी, आपको कैसी लगती है। ओके फैमिली, खुद का ख्याल रखो, बाय फैमिली।